यदि जो है आपकी बात अपनी समस्याओं होने के बावजूद भी सुन रहा है तो इसे किसी तरीके से छोटा नहीं माना जा सकता है। नहीं, वो तो मान ही लेते सर हम, नहीं, छोटा मैं कोई ये भी नहीं कह नहीं रहा हूं, मतलब वो खुद तकलीफ में है, वो खुद जो है ना। सर है। हाँ तो आपसे क्वेरी थोड़ी, इतने बड़े टेक्नीशियन वाला आदमी जब सबसे, जो जमीन पे सबसे नीचे बैठा है, जिसके पास चद्दर भी नहीं है बैठने को, जमीन पे ही बैठा है, हाँ उनको उनमें भेदभाव नहीं कर रहा, तो आपसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत कौन होगा सर? ठीक बात है, ठीक बात है। अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ा चमत्कार हुआ, बताता हूँ मैं। क्या सर? मैं बाहर जा रहा था, लखनऊ जा रहा था, और जी एक सर, फोन आया, तो वो जी एक अनिल नामक जो है, अनिल कुछ प्रबोध जाट कुछ नाम था उसका, और ओके वो किसान था। मैंने उससे पूछा कि अपना परिचय दो, तो उन्होंने कहा साहब मेरी तो कोई हैसियत नहीं है परिचय लायक, मैं एक किसान हूँ तो, और मैं जो है खेत पे ही झोपड़ी बना के रहता हूँ। तो एक झोपड़ी बना के रहने वाले किसान का डीजी का वीडियो सुन के और उस पे जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरा कहना है कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब नहीं, मैं मानता हूँ सर, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब इसका मतलब है कि देखिए कितने लोगों का साहस होता है कि वो डीजी का नाम सुन के ही उनको लगता है यार कहाँ चक्कर में पड़ना। मैंने ना एक सिपाही से बात की, मैंने कहा मैं बीजेपी साहब से बात कराता हूँ आपकी, तो हाँ बोला नहीं, सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर हाँ पा नहीं ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। तो है ही सर। तो वो व्यक्ति जो है उसने उससे इतनी अच्छी बात हुई और उसने बातचीत में अपनी ख़त्म ही नहीं कर पा रहा था। वो 2-3 बार कह चुका कि सर मुझे लिंक दीजिए, मुझे जुड़ना ही है, जुड़ना ही है। तो लोग बाग जो है देखो पूरे देश के हर कोने से लोग जुड़ रहे हैं, और मैं आपको बताऊं बहुत जल्दी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे, एंड वो हमारे एक टारगेट का हिस्सा भी है। देखो मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा बड़ा विश्वासघात ये राजनेता अपने खुद के पार्टी वर्कर के साथ कर रहे हैं। अभी पता क्या हुआ सर, दिल्ली में चुनाव था ना अभी, तो हाँ इसने आम आदमी पार्टी ने सब कैंडिडेटों के दस्तावेज ओरिजिनल जमा करा लिए, क्यों क्यों जमा कराए? क्योंकि मान लो हम लोग इनका टिकट काटें तो हाँ इनको उसके लिए भरने का भी टाइम ना लगे। हाँ, मतलब कोई दूसरा इनको टिकट ना दे दे। मतलब जब ओरिजिनल पेपर होंगे नहीं तो उसको जमा कैसे करेंगे सर हम लोग, क्योंकि चुनाव आयोग सब कुछ मांगता है ना, बैंक डिटेल, अपना एजुकेशन सब। जी अच्छा ओके 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 अब उन फिर वो अटेस्टेड मांगता है, ये इन्होंने सबसे फॉर्म भरवा लिया जी, ओके और आपको उनको बोला कि अगर आप ये जमा नहीं करेंगे तो हाँ आपके इस बायोडाटा पे विचार नहीं होगा। तो ओके कितना बड़ा धोखा किया इस केजरीवाल ने, मतलब आम जनता के साथ सर, किसी को चुनाव लड़ने से रोकना ये तो उसका हक है ना भाई, चुनाव लड़ना तो, हाँ यदि लेकिन यदि पार्टी नहीं रहेगी तो निर्दलीय ही लड़ सकता है वो। लेकिन उसने निर्दलीय, इस दुष्ट ने ऐसी वो की है दुष्टता कि भाई इसने बच्चों को निर्दलीय भी नहीं भरने दिया जी। एक आदमी ये कुछ ज्यादा ही उत्तर फ्रॉड आदमी है, वैसे मैं आपको बताऊं। वो 1000% है जी, लोग तो 100% होते हैं जी, 1000% है, 10 गुना और जी। हाँ मतलब जो आदमी जो देश को बेच सकता है, जो फ्री भी बांट सकता है, जो सुसाइड करने वाले को शहीद बता दे, जो एक शासक का काम है कि वो सभी जाति और धर्म के लोगों को एक नज़र से देखे, वो गोल टोपी लगा के 1000 रुपये 1 करोड़ लेके पहुंच जाए, ये सब दुष्टता मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही संभव है। सर जिस पद पे वो बैठा है ना, उसके लिए तो सारी दिल्ली के नागरिक एक समान होने चाहिए जी, कायदे उसे तो से, हिंदू। कायदे से वो कहते ही है ना, मुखिया मुख सा चाहिए, तो खान पान का एक तो खान मुंह एक ही मुंह खा रहा है, लेकिन जिस हिस्से को जितनी एनर्जी चाहिए वो अपने आप पहुंचाता है, ये ऐसा मुखिया का स्वभाव होना चाहिए। अब यही तो ना सर, देखो जो आत्महत्या कर रहा है उसे शहीद का दर्जा देगा तो जो हमारे जवान बीएसएफ वाले मिलिट्री, ये जो वहां खड़े हैं बॉर्डर पे जी, उनके उनका मनोबल कितना गिर जाएगा सर। तो जोर से गिरेगा। ये ऐसी दुष्टता कर रहा है जी कि इसके लिए एक आत्महत्या करने वाले और बॉर्डर पे सैनिक की कोई अहमियत नहीं है जी।
जो आदमी देश की रक्षा में खड़ा है। जी आपको नहीं लगता है कि 2024 में इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं के जो है ना का भाग्य का फैसला हो जाएगा और ये सब हारेंगे 100%? सर, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि देश का गृह मंत्री मैं बनूंगा जी। गुड गुड गुड। देखिए आप देखिए भी देखिए अपने देखिए देखिए मैं तो देखिए मैं जी आपको बताऊं, इसकी चाबी आपके हाथ में है। उसके जानते कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप यदि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर पाएंगे तो ना केवल टिकट मिलेगा बल्कि आप बिना खर्च किए संकल्प के आधार पर जीत पाएंगे। अब जीत गए आप। अब जीतने के बाद जो दूसरा निर्णय है कि मंत्री और ये सब चीज़ें बनने का और गृह मंत्री बनने का, ये सब निर्णय भी तो उसी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर लिए जाना है ना। तो यदि किसी व्यक्ति ने पूरी एनर्जी लगा के लोगों को जोड़ दिया तो वो ग्रह ही नहीं ना, मैं तो फर्स्ट आने वाली लाइन में हूं ना जी, बिल्कुल तो बिल्कुल 5 महीने की चिंता नहीं है जी मुझे, फर्स्ट नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आने। और एक चीज और करो, जो वहां पे समस्तीपुर वगैरह में जो महिलाओं वगैरह का वो किया, उसका उसी तरीके का हर जगह कराने का सिस्टम रखो। अभी अभी जो आपके यहाँ पर वो हो रहे हैं ये लोकल चुनाव, लोकल बॉडी के जो चुनाव हो रहे हैं, म्यूनिसिपलिटी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी कोशिश करो कि इसको आगे बढ़ाओ। जी, मैं तो हर हर सभा में बोलूंगा सर ये हाँ बात तो, कि आपका नाम भी लेंगे सर उसमें, आपकी अध्यक्षता में हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हाँ और देश का हर नागरिक का ये प्रण होना चाहिए कि देश अपराध मुक्त होना चाहिए, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त मुक्त होना होना। चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, और हम तो कह रहे हैं कि गरीबी मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल जी, और अपने मतलब संजय, यू विल बी सरप्राइज, आई एम हैविंग ए फुल फ्लेज मॉड्यूल कि किसी भी गरीब व्यक्ति को गरीब रहने का विकल्प नहीं रहेगा, वो समृद्धशाली हो जाएगा। यदि वो चाहेगा भी गरीब रहना तो गरीब नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी बात है, ये मुफ्तखोरी इतनी बड़ा जो है ना बंद हो जाएगी कि इवन आप जेल में भी जाएंगे तो आपको खाना तभी मिलेगा जब आप वहां श्रम करेंगे। मतलब वो मुफ्तखोरी वाला जो ये जेल एल मैनुअल है सब बदलेंगे। मतलब यदि आपने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में तो मनुष्य का जो कृत्य है वो आपको करना ही होगा। बिना कर्म के आप सरवाइव नहीं करेंगे। जी सर आप देखो, एक पक्षी है तो बरसात आने के पहले वो अपना जो है पूरा वो बनाता है, घोंसला बनाता है, ये करता है वो करता है। तो हर कोई, केवल मनुष्य ही नहीं, हर प्रजाति जो है अपने धर्म और कर्म के हिसाब से लगातार कर्म करती है और करता है। तो किसी को मलाल होके मक्कारी, बदमाशी, दुष्टता, ये केवल ये राक्षसी राजनेताओं ने ही पैदा की है, जी सर राइट राइट? सर और मुझे ये बात लगती है कि अब सच में इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये 2024 में पूरे 543 लोग जो है ना ये हारेंगे, सभी राजनीतिक पार्टी के सभी नेता हारेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और हमारे अदने से चंद्रगुप्त, जिनका कोई नाम नहीं जानता होगा, वो इनको हराएंगे। बड़े से बड़े व्यक्ति को जिसका किसी को नाम नहीं मालूम है, ऐसा चंद्रगुप्त हराएगा। चुपचाप, मतलब एकदम जब रिजल्ट आएगा तो मतलब धमाका होगा जी, ये कौन जीत गए। बिल्कुल धमाका होगा, बिल्कुल धमाका होगा। और उसका जो है कारण है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जब जो है मैं 10वीं में स्कूल में गया और वहाँ पे मैं इंदौर से जो ना ट्रांसफ़र हुआ बुरहानपुर, तो मैंने पूछा कि यहाँ का टॉपर कौन है। तो एक पंकज मशरू वाला हमारा दोस्त ही था, बाद में दोस्त बना, बोला कि ये टॉप करता है। तो मैंने जो मेरे साथ खड़ा हुआ था बंदा, मैंने कहा जाके इसको बता दो कि अगली बार ये टॉप नहीं करेगा। और जो मिटर एग्जामिनेशन हुई 1.5 महीने बाद ही, उस समय मैं जो है ना टॉप किया और उससे 10% से भी ज़्यादा मेरे मार्क्स थे। तो ये ऐसा ही इसमें होने वाला है कि अब ये कोई भी राजनीतिक पार्टी के कोई भी राजनेता नहीं जीतेंगे, 100% पराजित होंगे। क्योंकि ये तो
20 और 30 और 33 करोड़ की बात करते हैं, अपन तो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, और 100 के बाद भी अपन रुक नहीं रहे हैं। अपन जो है ना बाबा कबीरदास जी को ले आ रहे हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये जो लोग पत्थर हैं, स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं, राजनेताओं के चरण सेवक बने हैं, ये पत्थर भी पत्थर बने नहीं रह पाएंगे, ये 200% पक्का है। मतलब इसमें मुझे किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम नहीं है। जी, आपको कोई भ्रम है क्या? मुझे कोई भ्रम नहीं है सर। कोई भ्रम नहीं है तो बस, और फिर 2024 बहुत दूर नहीं है। हाँ, काम करने वालों के लिए दूर नहीं है सर। हाँ, जिन्होंने काम नहीं करना उसके लिए तो बहुत दूर है 2024, अभी तो 23 आएगा, फिर 24 ये आएगा। सब काम करेंगे, क्योंकि देखिए जानते क्या है, जो आप पाप आ रहे हो उसको तो सोचने की आपकी क्षमता नहीं। आज ये बताओ, क्या आप एक पार्षद का टिकट पा सकते हो जी, बिना हाथ फैलाए, बिना मेहनत किए, बिना पैसे बांटे? जी सर, यहां पर आपको सांसद का टिकट ही नहीं मिलेगा, बिना खर्च आप जीत भी जाएंगे और उसी आधार पर आप मंत्री और मुख्यमंत्री आदि भी बनेंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटी तो अनथिंकेबल है जी, जी, जी। और इस मॉडल में कोई लोचा नहीं है जी। ये बात मानते कि नहीं मानते आप? बिल्कुल सर। तो चलिए, आप अभी जो है अपना इस म्यूनिसिपलिटी वाले चुनाव से, लेकिन इसको भी कैपिटलाइज करो। हाँ करूंगा सर, मैं जब सभा होंगी ना जी इनकी कैंडिडेटों की, तो मैं अपने अपराध मुक्त भारत की अपील भी करूंगा और उनसे शपथ भी लूंगा जी। करेक्ट, और वो शपथ के पंपलेट बना लो, और शपथ के तीन हिस्से हैं उनको जरूर एक्सप्लेन करो कि पहला हिस्सा है कि हमें शपथ लेना है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं अपराध मुक्त भारत मिशन का चंद्रगुप्त बनूंगा। जी, ये भारत माता की शपथ है। काय के लिए बनूंगा चंद्रगुप्त? जिससे देश को जो है अपराध मुक्त बना सके, राइट। दूसरी उसे शपथ लेना है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा, जिससे कि हमारी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, हमारी दृढ़ और संकल्प जो है ना बढ़ता जाए। इसलिए मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करता हूँ और हर दिन एक वीडियो जरूर देखूंगा। ये दूसरा संकल्प है, राइट। और शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं प्रतिदिन जो है निम्न अनुसार जो है प्रतिदिन लोगों को जोड़ूंगा, तो सोमवार को जो है परिवार के सदस्यों को, मंगलवार को मित्रों और पड़ोसियों आदि को, बुधवार को रिश्तेदारों को, गुरुवार को विभिन्न सर्कल के लोगों को, शुक्रवार को जो है विद्यार्थी और युवाओं को, शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को, और रविवार को समाजसेवी संगठनों को जोड़ूंगा। ये मैं शपथ लेता हूँ, संकल्प करता हूँ। और जब जो है वो दिन के हिसाब से लोगों को जोड़ेगा, तो हमारा संकल्प इतनी गति से पूरा होगा, क्योंकि जब अपन 100 करोड़ व्यक्तियों का नाम लेते हैं तो आदमी का दिमाग घूम जाता है कि हाँ बाप रे बाप, 100 करोड़ कैसे होगा। लेकिन जब यदि उसको हम डाटा को ठीक ढंग से एनालाइज करें, तो नौवें दिन जुड़ने वाले 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 90 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र खुद को जोड़ने से भी पूरा हो जाता है। तो आप ये बताइए, कितना सरल काम है, कोई इसमें मुश्किल काम है कि अपने आप को जोड़ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, और 8वें और 9वें दिन का संकल्प है जिसके हिसाब से 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है, तो एक व्यक्ति को 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है। मतलब पति यदि अपने पत्नी को और पत्नी यदि अपने पति को, या पति पत्नी नहीं भी है तो बच्चे को या किसी को एक और व्यक्ति को जोड़ लेता है, तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो गया। बताओ क्या ये कठिन है? नहीं, बहुत आसान है सर।
और जब जब किसी का 5 पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हो, आप कोई जो है ना कंडक्ट रूल नहीं तोड़ रहे हो, कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हो, कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हो, कोई धरना नहीं दे रहे हो, कोई रेल रोको नहीं कर रहे हो, कोई जंतर मंतर नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हो, और अपने लोगों को जब आप जोड़ोगे और उनसे बात करोगे तो आपके अपने नेटवर्क की मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो ये तो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम हैं, हींग जी, लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए, ये अपने आप में बहुत विस्मयकारी है। और मुझे तो लगता है ये मेरी सोच का हिस्सा नहीं है, ये जी तो सर, जी सर, कहीं दूसरी जगह से कोई कुछ कुछ ही करा रहा है। जी क्योंकि जब हमने ये शुरू किया था 2017 में क्राइम फ्री भारत मिशन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसका ये स्वरूप बनेगा। तो ये कोई कॉस्मिक पावर करा रहा है, और कॉस्मिक पावर जो करा रहा है तो वो हर किसी में प्रेरणा भी देगा, जज्बात भी देगा, और संभवतः अभी लोग बाग वेट एंड वॉच में भी है, क्योंकि 2024 उनको देर लग रहा है। जैसे ही 24 2024 के आप नज़दीक जाएंगे, लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन जुड़ेंगे, जी, लाखों की संख्या में, मतलब 1-2 लाख एक दिन में ऐसा जुड़ेगा। मैं मानता हूँ सर, तो चलिए, जो है मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा संकल्प भी पूरा होगा, भविष्यवाणी भी पूरी होगी, और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, और हमारे गरीब जो सदस्य हैं, इन राजनेताओं ने जो भ्रष्टाचार करके जो संपत्ति है उसको भी वो लूट के अपने चंद्रगुप्तों को जो है विजयी भी बनाएंगे, और को थोड़े बहुत समृद्धशाली भी हो जाएंगे। और फिर क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा जिससे ये बाहुबली जो आप बता रहे थे कि बैठ के कमरे में बंद करके पिटाई भी लगाते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो उल्टा जेल में चले जाएंगे। उनके पास तो फिर ये करने वाला काम ही नहीं होगा ना सर। नहीं, अगर यदि हमने ऑर्डिनेंस नहीं लाया तो ऐसा दुष्प्रयास कर सकते हैं ना वो, क्योंकि जब उन्होंने चुनाव भी हार गए, बाहुबली हैं ही वो, पैसे भी उनके लुट गए पिट गए, तो फिर वो आदमी कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, लेकिन उसको ये करने का भी विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जेल जाने की व्यवस्था हम पहले करके रखेंगे। ये बात आप मानते हो कि नहीं? मानता हूँ सर। चलिए, तो चलो, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप जो है अपना जो लोकल बॉडी का चुनाव है, म्यूनिसपैलिटी का चुनाव है, उसको आप जीते हैं, आपके सभी लोग जीते हैं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आगे चल के हम क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों को जिताएंगे भी, और उनको मंत्री मुख्यमंत्री आदि बनाकर जो है इस देश के पूरे इकोसिस्टम को बदलेंगे। और संजय, एक चीज़ देखो, इतनी गहराई तक मेरे दिमाग में विचार आते हैं कि राज्यसभा में तो यही दुष्ट बैठे रहेंगे, ये आपको धेले भर का काम नहीं करने देंगे, तो उसका जवाब ये बड़ा आसान आया है कि साहब क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे हाथ में ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति होगी, तो तुम पूरे एक इकोसिस्टम को ऑर्डिनेंस से चलाओ 4 साल तक। सोच और दृढ़ता होना चाहिए सोच में, बिल्कुल सही बात है सर। और 4 साल बाद जब आपके जो ना सभी राज्यों में आपकी घुसपैठ होगी और आपके पास राज्यसभा में भी मेजोरिटी होगी, तब जो है ना उनको ऑर्डिनेंस को सबको कानून में कन्वर्ट कर दीजिए। उससे फायदा भी मिलेगा कि 4 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर जो हम नियम कानून बनाएंगे उसमें वो रिफाइनमेंट भी कर पाएंगे, वो गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो किसी कारण से हो सकता है इस समय हम लोगों के दिमाग में ना आए। तो जब जब 4 साल बाद हम पक्के नियम कानून बनाएंगे, ऑर्डिनेंस से सिस्टम को प्रॉपर लीगल सिस्टम में लेके जाएंगे, उस समय हम जो है जो कानून पैदा करेंगे वो इन ऑर्डिनेंस से भी बहुत बेहतर होगा और परमानेंट होगा। अभी कल किसी से मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि साहब जो है आदित्यनाथ योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि वो अच्छा काम सिलेक्टिवली क्यों कर रहे हैं, आप ये बताइए कि वो जो है बुलडोजर चला रहे हैं और बुलडोजर जवानी आदेश के तहत चल रहा है, जिसको ये इशारा कर रहे हैं उस पर बुलडोजर चल रहा है, कल यदि कोर्ट जो है उस एसपी और कलेक्टर को जेल भेजे
तो उस एसपी और कलेक्टर को कौन बचाएगा? सही बात है सर, तो जब हमने आपको कानून बनाने की शक्ति दी है और हम आपकी सोच से भी सहमत है कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, अपराधियों के घर टूटना चाहिए, और वो घर टूटने से ज़्यादा संपत्ति को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है, एक मैसेज क्लियर करना कि अब अपराधियों का ये हाल होना है, अपराधी जो दूसरे में खौफ पैदा कर रहे हैं वो खुद खौफ में जिएंगे। लेकिन आदित्यनाथ जी का हाथ किसी ने रोका हुआ है, वो कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? तो मुझे उसका जवाब भी मिला कि वो कानून क्यों नहीं बना रहे हैं, और वो जवाब ये है कि यदि वो कानून बना देंगे तो वो कानून सभी के ऊपर समभाव से लागू होगा। अभी अभी वो जिसके ऊपर इशारा कर रहे हैं उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर बहुत सारे राजनेता जो है, जो भाजपा के राजनेता हैं 80%, उनके ऊपर भी चलने की जरूरत है। उन पर भी चलने चाहिए थी, लेकिन अभी राइट? वो तो बिल्कुल वो चल नहीं, जब ये सिलेक्टिवली हाथ का इशारा करेंगे तो जिसके ऊपर इशारा करेंगे वो जलेगा, वो उसके ऊपर चलेगा। और जो चला रहा है आज, वो अपने आका की स्ट्रेंथ पे चला रहा है, चूंकि उसको कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो कल जो है यदि स्थिति परिवर्तित होती है तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा। तो आप कैसे कानून के निर्माता हैं कि कानून बनाने की शक्ति रखने के बावजूद भी आप अच्छा कानून नहीं बना रहे हैं? मतलब एक तो होता है कि क्या करें, हमारी शक्ति नहीं है। अभी जैसे मान लो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जो है मेजोरिटी है, तो उन्हें फट-फट सभी कानून बना देना चाहिए कि नहीं बना देना चाहिए? जल्दी से बना देना चाहिए जी, आप लेकिन मुझे ये बताइए कि नरसिम्हा राव की सरकार एक बैसाखी पे सरकार थी, कॉलेशन गवर्नमेंट थी, और उसने ये घृणित कानून बनाया जिसको बर्सिप प्लेसिस एक्ट कहते हैं। मैं इसे घृणित कानून कहता हूँ। देखो, मैं इसको घृणित कानून क्यों कहता हूँ कि देखिए, अभी अपन जो बनारस में डिस्ट्रिक्ट जज है उसको लोग बाग जो है ना सिर पे बिठा रहे हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि बाबा नंदी जो है, जिस तरह उनका मुंह होता है उसके सामने ही भोले बाबा जो है ना विराजित होते हैं, तो वो फव्वारा नहीं है, स्वयंभू शंकर जी खुद वहाँ विराजित हैं, ठीक है ना? इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है, आपको किसी भी भवन का या प्लेस का ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल जो ना स्वरूप क्या था, ये जानने की आपको ताकत नहीं देता है। वो एक लाइन में कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जगह जिस धर्म के लिए उपयोग में आ रही होगी वो उसी धर्म के लिए उपयोग में आएगी, और इसमें केवल एक ही एक्सेप्शन है, वो है राम जन्म भूमि, राइट? और वही कानून ये भी कह रहा है कि 1947 से 1991 में जो भी केस किसी कोर्ट में लगाए गए हैं वो इसी मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत निर्णित कर दिए जाएं, राइट? मतलब वो जो है जज जो है ना, उसमें और कुछ नहीं देखेगा, केवल एक चीज देखेगा, 15 अगस्त 1947 की जो कट ऑफ लाइन है उस समय वो किस धर्म के लिए यूज हो रहा था, राइट? और फिर सेक्शन 4 जो है सभी न्यायालयों पर बंदिश लगा देता है कि भाई साहब, अब जो है बर्सिप प्लेसिस एक्ट के बारे में आप कोई किसी नए प्रकरण का संज्ञान नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो ये तीन काम एक्ट कर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद 15 अगस्त 1947 के लिए मस्जिद के रूप में स्थापित थी या नहीं थी? वही है ना, अब तो कानून हो गया जी ये कि भाई उन्होंने कोर्ट में है। नहीं, कोर्ट वोर्ट छोड़ दीजिए, कानून से कोर्ट जो है ना, कोर्ट कानून से जो है ना गवर्न होती है। नंदी जी निकले और वहां उनके सामने नहीं तब नहीं नहीं महादेव हम तो इस वार्तालाप में जा ही नहीं रहे हैं। हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद के स्वरूप में थी या नहीं थी, हाँ या नहीं, बस इतनी बात पूछ रहा हूं। थी 15 अगस्त 1947 को वो मस्जिद के स्वरूप में थी, मैं ये कह रहा हूं। 15 अगस्त 1947 जब हम स्वतंत्र हुए उस समय मस्जिद थी वो, करेक्ट? तो मैं ये कह रहा हूं यदि 15 अगस्त 1947 को वो मस्जिद थी तो मजिस्ट्रेट ने उसका ओरिजिनल प्रयोग क्या हो रहा था, ओरिजिनल स्वरूप क्या था, ये जानने का हक किसी
किस नियम के तहत मिल गया है उसे, मुझे बताइए। तो मेरा ये मानना है कि जिला जज का जो आदेश है वो पूर्णतया जो है ना नियम विरुद्ध है। इसका जी बहुत ही सरल काम जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में था। वो कहते हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, और बरसे प्लेसेस एक्ट 1991 को डिलीट कर देते, रिपील कर देते। कितना आसान था ये, सही बात है सर। हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, इसमें कितना देर लगना था, 5 मिनट? आप मुझे बताइए, हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई ये कहने में पार्लियामेंट्री हाउस में कितना देर लगना था, 5 मिनट? 5 मिनट भी नहीं लगते सर। तो फिर जो है 56 इंच के सीने रखने वाले माननीय नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया? आज वो अश्विनी जी उपाध्याय जी, हमसे हमारे से तो बात भी होती रहती है, वो बेचारे रोज जी एक PIL लगा रहे हैं और मैं उनकी सभी PIL से सहमत हूं, लेकिन मैं अश्विनी उपाध्याय जी हैं? अश्विनी उपाध्याय जी बहुत काम करते थे कि उनके ऊपर बिना मुकदमा भाई उन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया और उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया जिनको अरेस्ट किया गया। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, अश्विनी उपाध्याय को अरेस्ट भी किया गया था क्या? तिहाड़ में रह के आए, बेल पे है अभी। नहीं, अभी जेल में नहीं है, अभी तो रोज उनका वीडियो देख रहा हूं मैं। अभी तो बेल से बाहर आ गए ना, उनको अरेस्ट किया था जी। एक इधर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था जी, इन्होंने इन्होंने क्या वो जो पुस्तकें जलाई थी उसके ऊपर, कौन सा जी जो कानून की किताबें जलाई थी, नहीं, कौन से उसमें हुआ, हमारी जानकारी में नहीं है। धार्मिक कोई प्रोग्राम था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा जी, लेकिन ये नहीं, जेल आप जाते कुछ आए। कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो? नहीं, कंफ्यूज नहीं है सर, ये जेल जाते आए हैं, अश्विनी इनके ऊपर उपाध्याय मुकदमा। जी, हाँ अश्विनी उपाध्याय जी, इनको जरा तुम मुझे पुलिस। आज जरा मुझे खोज के बताना जी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही है। नहीं मेरे ख्याल से अश्विनी जी से अगर बात हो तो पूछना भी सर, तो अच्छा, मैं वैसे फोन लगा लूंगा, लेकिन अब ऐसी बातें पूछना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? एनीवे, तो अच्छा मैं ये कह रहा हूं, अब अश्विनी उपाध्याय हर चीज को कोर्ट में क्यों ले जाना चाहिए, PIL क्यों लगना चाहिए, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमने 303 जो है ना सदस्यों के साथ जो है ना क्यों जिताया, ये कानून क्यों नहीं बना रहे हैं चीजों के? जवाहरलाल नेहरू ने जितने भी दुष्टतापूर्ण काम किए उसी पार्लियामेंट में बैठ के किए कि नहीं किए, कि वो कोर्ट ले जाते थे अपने मामले को, सही बात है जी। तो फिर ये क्यों ले जा रहे हैं? ये 56 इंच का सीना है ना जी, उनका नहीं तो ये 56 इंच के सीने वाले ने एक भी कानून नहीं। अच्छा ये मुझे बताओ, जो इतने सारे दंगे हैं, ये है वो है, मैं ये सवाल बार बार पूछता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि हिंदुस्तान में रहना हो तो श्री राम कहना होगा, ये बात कहने का अधिकार उसे किस नियम कानून ने दिया है? वो बड़ा बड़ा टीका लगा के कहता है कि हिंदुस्तान में रहना हो तो श्री राम कहना होगा, ये अधिकार उसे कहाँ से मिल गया है, ये मुझे बताओ, नंबर 1। नंबर 2, मैं मुस्लिमों से भी पूछता हूँ कि उन्हें ये अधिकार कहाँ से मिल गया कि तुम मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, तुम यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी, ये संविधान की आर्टिकल 25 का राइट टू रिलीजन का उल्लंघन, खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है कि नहीं है? वो 70 हूरों के चक्कर में ही तो जवानी में चले जाते हैं जी, वो जवान जवान लड़के आतंकवादी बन जाते हैं इस चक्कर में, और वो बेचारे 28 साल 30 साल में ही चले जाते हैं नहीं, जी। लेकिन इसमें मैं उनकी गलती नहीं देख रहा हूं, इसमें मैं नरेंद्र मोदी जी की गलती देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं? यदि हम केवल 4 सेक्शन का एक एक्ट बना दें जिसमें पहला सेक्शन ये कहेगा कि जो भी आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन के विरुद्ध जो है कोई भी एक्ट करेगा, बात करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो एक संज्ञेय अपराध होगा, नंबर 1। उसमें दूसरा प्रोविजन कहेगा कि वो है अजमानती होगा, और जब तक गलत रिपोर्ट नहीं की गई है तब तक आपको जमानत का हक नहीं होगा, मतलब कोर्ट जमानत नहीं ले पाएगी, कोर्ट को केवल जमानत का एक ही आधार वैलिड माना जाएगा कि किसी ने झूठी रिपोर्ट की है, ठीक है ना? जी। तो ये अजमानती है, और जमानत का भी प्रोविजन बिल्कुल लिमिटेड, और फिर जो है 10 से 15 साल की सजा, और चौथा प्रोविजन कि उसकी संपत्ति निश्चित रूप से जब्त होगी, राइट? और उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का इंजन लगा दिया जाए कि बिना थाने जाए
एफआईआर दर्ज हो जाए, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाए और अधिकतम 30 दिन में वो महोदय जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएं और संपत्ति उनकी जब्त हो गई, आप बताओ भारत में किसकी औकात है कि वो भारत में ये बकवास करे? सही बात है। नहीं, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे भी नहीं लगता सर भाई, किसी की हिम्मत तो होगी ऐसे। यदि इतना सरल काम है और जब आपके पास दोनों हाउसेस में मेजोरिटी है और हाँ की जीत और ना की हार सिर्फ इतना ही कहना है और 4 सेक्शन में क्या लिखना है वो मैथिली शरण गुप्त ने बना दिया है, बता दिया है, तो ये काम जो है ना करने में कितनी देर लगेगी? वही है ना सर, हाँ क्यों रुके हुए हैं जी, वरना बहुत कुछ लोगों ने उम्मीद की थी मुझसे कि नहीं, लेकिन मेरा भाई। ये कहना है कि फिर आपका 56 इंच का सीना किस बात का है? फिर हमने जो आपको कानून बनाने की शक्ति दी है वो आप क्यों नहीं बना रहे हो? किससे पूछना है, आप तो मेजोरिटी में भेज जाए हमें। मैं वही कह रहा हूं, आपको कानून बनाने की शक्ति दी है, मोह चलाने की शक्ति का क्यों यूज कर रहे हो? कानून बनाने की शक्ति का यूज करो ना भाई साहब, आप वो इकोसिस्टम बदलो जिसको वो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। और यदि तुम नहीं बदलोगे तो 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन तो वो इकोसिस्टम पैदा करेगा ही करेगा। कोई संदेह संजय सिवाल? नहीं, कोई संदेह नहीं सर। कोई संदेह नहीं। चलिए तो हम पुनः उसी दृढ़ता से और संकल्प से जो है ये निर्णय लेते हैं कि 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन के सभी चंद्रगुप्त, इन सभी दुष्ट और काले चरित्र के राजनेताओं को, सभी पार्टियों के राजनेताओं को ना केवल हराएंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें जब्त होंगी और ये चंद्रगुप्त जो है काबिज होंगे और ये नियम कानून बदल के वो इकोसिस्टम पैदा करेंगे और 4 साल तक वो इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस के माध्यम से पैदा करेंगे और बाद में दोनों हाउस में से जो है ना उसे पास कराकर विधिवत कानून बनाएंगे और भारत का इकोसिस्टम बदल जाएगा जहां अपराध करने का ऑप्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन नहीं होगा और गरीब बने रहने का भी ऑप्शन नहीं होगा। भारत का हर व्यक्ति वो समृद्ध होगा, यदि वो चाहेगा तो भी गरीब नहीं रह पाएगा। गरीब नहीं रह पाएगा, बिल्कुल है कि नहीं? राइट सर। चलिए तो इसी इन्हीं बातों के साथ इस संकल्प को जो है ना के साथ अपन इस वार्तालाप को समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।